सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लें जी आज आपसे देसी नुस्खा शेयर कर रहे हैं। ये जी लहसुन, और लहसुन को हमने क्या नाम है शेक बनाना है, इसका शेक बना पानी में शेक करना है इसको, ठीक है। और जितने भी बर्ड्स हैं ना, आज सबको इसी का ये शेक बना के तो देना है। और इंशाल्लाह ये आपको मैं दिखाऊंगा जिनको मैं ये डालूंगा। और पानी की मैंने उठा दिया सबका, तो उनको डालूंगा ताकि वो दाने के बाद वो इसे फौरीली पिक करें और वो पीना शुरू कर दें। इससे ये होता है कि एक तो बर्ड एक्टिव हो जाता है, और दूसरा से उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी अगर जरासीम होते हैं, इन्फेक्शन होता है, वो ख़त्म हो जाता है। ये देखें जी, हम पानी डाल रहे हैं इसमें, ठीक है। और अब ये शेक करना है, सिर्फ एक से एक मिनट के लिए बहुत है। ये जी मैं इसको शेक करने लगा, ये जी शेक हो रहा है, ठीक है। आज ये हम अपने सारे बर्ड्स को यही देंगे शेक करने के बाद। देखें कैसा प्यान इसका पानी बन गया। इसमें जितने भी जितना लहसुन था सबका सब जो ग्राइंड हो चुका है। अब हम इसे बंद कर देंगे। और ये जी लहसुन का शेक तैयार हो चुका है। और ये शेक आपने अपने बर्ड्स को डालना है। फी केज के अंदर आपको मैं बताता हूँ कितनी कितनी क्वांटिटी डालनी है। ये जी इसमें इस क्वांटिटी में ये डालना है। और बाकी क्वांटिटी में पानी डाल देना है। ये जी बाकी हमने पानी डाल दिया, और ये हम रखते हैं अपने चूजों के आगे। ये हमने इसमें लहसुन डाल दिया जो ड्रिंकर में डालना था। ये जी हमने चूजों के लिए डाला इसमें, और बाकी हम डालेंगे सादा पानी इसमें। देखो बाकी सादा पानी की क्वांटिटी ऐड करेंगे, और ये अपने चूजों को देंगे। छोटे जो छोटे चिक्स निकले हुए हैं ये उनको देंगे। और पानी के लिए इनको प्यास लगी हुई है, तो हम इन्हें अब पानी रखेंगे वही। जी बच्चों ने चूजों ने पीना शुरू कर दिया, क्योंकि जब प्यासे थे तो इस वजह से इन्होंने पीना शुरू कर दिया। ये जी इनका खाना तैयार हो गया, तो देखें माशाल्लाह खाना रेडी है इनका, तो चलें इन्हें डालते हैं।
ये दिन के लिए मैंने फीड तैयार कर दिया, जो छोटा बेबी जो बेबी पिजन्स मैंने रेस्क्यू किए थे। ले जी ये देखें, ये दाना देखते जाते हैं और ये पागल हो जाते हैं, कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो जाते हैं। ये जी इनको दाना डाल दिया, अभी अब ऊपर वाले पिचन्स की बारी है और बोतल मैंने लगा दी है इनकी और ड्रिंकर में आज लहसुन का पानी डाला, तो अब ये खाएं इजी होके। माशाल्लाह से जी आज मुर्गियों ने तीन अंडे दिए हैं। पहले ब्लॉग में एक अंडा और दूसरे में दो, तीसरे में भी दो आए थे, लेकिन माशाल्लाह आज अंडे तीन आए हैं। वो ये खाना मांग रही हैं और पानी इनको डालना है आज, मेडिसिन वाला देसी मेडिसिन। ये मुर्गियों की दोरी मैंने साफ़ कर दी थी और इसमें इस क्वांटिटी में ये पानी मिक्स करना है। और ये बाकी कबूतरों के लिए रह गया। इससे जितनी भी मुर्गियाँ हैं माशाल्लाह सब एक्टिव होके माशाल्लाह खाना कुना खाएंगी। कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि फल उनके छिलके फल वगैरह वेस्ट नहीं करने, क्योंकि ये देखें ये मुर्गियाँ इस वक्त मैंने इन्हें आलू और पालक इनके छिलके आलुओं के और पालक के पीसीस मैंने डाले हैं और देखें माशाल्लाह कितने शौक से ये खा रहे हैं। और कुछ देर के बाद मैं इन्हें डालूंगा फीड। कभी दाना, कभी फीड और कभी इन्हें ऐसे विटामिन्स के लिए ना ये चीज़ें डालते रहा करें, चाहे सब्ज़ी हो जाए, चाहे क्या नाम है फल के पीस हो जाएं, अंडों के यहाँ तक के छिलके भी जो यूज़ होते हैं अंडे आपको बर्गर वाली शॉप से मिल जाते हैं, वो ला के इन्हें डाला करें। इनसे ये मुर्गियाँ उनका अंदर का कैल्शियम पूरा हो जाता है। ये देखें जी ट्रे एक इन्होंने खाली कर दी है, दूसरी ट्रे में अभी पड़ा हुआ है, वो भी ये जल्दी फिनिश कर लेंगे, फिर इन्हें डालते हैं फीड। इतनी देर हम डालते हैं कबूतरों को पानी और दाना। लें जी अब हम मिस्टर रेड और इसके पापा को दाना डालने लगे हैं। तो ये आज व्लॉग में हम इन्हें दाना डालेंगे और ये इस क्वांटिटी में लहसुन का पानी। अब ये बच गया है जी थोड़ा सा बेबी चिकन्स पिजन्स के लिए, आज बाकी पानी उनको डालेंगे।
था बर्तन साफ, और इसमें हमने डाल दिया लहसुन का पानी। और हमने डालेंगे अब दाना, और ये डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये जी हमने मिस्टर रेड उसके पापा वगैरह को दाना डाल दिया, और मिस्टर रेड देखें कितनी स्पीड से माशाल्लाह खा रहा है। कुछ अभी ऊपर बैठे हुए हैं और माशाल्लाह कुछ पिजन्स खा रहे हैं। मुर्गियों की फीड का टाइम हो चुका है, शायद उनसे पेट नहीं भरा, और आलू के छिलके इतने लाइक नहीं करती हैं, लेकिन विटामिन्स के लिए तो डालने पड़ते हैं। चिकन सभी वेट कर रहे हैं दाने का, क्योंकि अभी पहले इन्हें दाना पानी जिनको डाला है वो अपना वो थोड़ा सा जो रहता है वो फिनिश कर लें, तो फिर उन्हें फीड डालते हैं। माशाल्लाह मिस्टर रेड देखें जी कितने खूबसूरत कलर में आ गया है। और मिस्टर रेड के छोटे छोटे भाई पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हैं। ले जी चिकन्स को फीड डाल दी है मैंने, और बहुत शौक से ये फीड खा रहे हैं, और इनका पानी वाला बर्तन लग चुका है। कोशिश किया करें गर्मियों में 3 टाइम पानी डाला करें, शाम में पानी पिलाने के बाद जो पहला पिया हुआ पानी वो गिरा के नया भर दिया करें। और मैं अपने ब्लॉग में छोटी छोटी ट्रिक्स सेंड किया करूँगा, ताकि जिन भाइयों की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स हल हो सकें। जैसे कि ये देखें यार, मैंने ये 2 प्लास्टिक के एग्स रखे हुए हैं, ठीक है। अक्सर मुर्गियों में प्रॉब्लम आ जाती हैं फीड ना टाइम पे होने से, अगर लोग नहीं डालते तो ये अपने एग खाना शुरू कर देती हैं। मैंने एहतियातन रखा हुआ है ताकि कोई भी प्रॉब्लम है ये अपने अंडा ना खाएं। मे भी 15-20 मिनट लेट होने की वजह से कहीं अंडा दिया हुआ और ये खा ना लें, ठीक है। लें भाई जान, कबूतरों को जाल वाले कबूतरों को दाना डाल दिया है, और ये देखें ज़रा माशाल्लाह बूतों ऊपर से नीचे आते हुए इन्हें कैसा रश लग जाता है ये जब परिंदे आते हैं माशाल्लाह ऊपर से। नहीं भाई जान अभी आ रहे हैं परिंदे, और आपको शौक करवाता हूँ मैं भाई। दूसरे कुड्डे में दाना डालने गए हैं, जी भाई दाना डाल पानी डाल चुके हैं और दाना भी। नहीं भाई जान ये एक कबूतर आ चुका है, और उसके पीछे पीछे ही सारे उतर आए हैं। देखो ये डेरे वाली छत है, कैसे उड़ाते भी हैं हम कबूतर, इधर से कबूतर हम उड़ाते भी हैं। और शौक भी करते हैं, नहीं जी आज एक आज़ाद बच्चा पकड़ा है। बच्चे ने इसके पर खोले मेरा, ये पी लगता है, ये किसी का पकड़ा है बच्चा पीली आंखों में, और इसकी आंखों का शौक करें। पर का तो आपने शौक कर लिया, और ये इसकी आंख का शौक करें जी, पीली आंख का बच्चा है ये। और ये देखें माशाल्लाह हर केज में 100 से ऊपर परिंदा है। अभी ये ऊपर बैठे हुए हैं कुछ परिंदे जो नीचे उतर रहे हैं, और एक ये बच्चा पकड़ा था तो कलर लगा हुआ है। ये हम खुद उड़ाने के लिए छोड़ेंगे, चेक करें शौक करें जी।
इस वाले जाल के काफ़ी हद तक परिंदे नीचे आ चुके हैं जी। ये जी मेरी घर का पीली आंख वाला जोड़ा जो उसका बच्चा ये सफ़ेद, इसकी एक टांग ज़ाया हो गई थी तो छतरी पे नहीं लग सकता था, तो लिहाजा फिर इसको मजबूरन डेरे पे ला के छोड़ना पड़ा। यहाँ पे ये परफॉर्मेंस दिखा रहा है अपनी, उड़ाते भी हैं इसको कि नब्बे दिनों में नहीं उड़ा सकते। प्लीज ये पर झाड़ के नए निकाल रहा है, ये देखें जी माशाल्लाह रश लगा हुआ नीचे कबूतरों का, और अभी ये कुछ नीचे उतर रहे हैं परिंदे। अगर किसी भाई को परिंदे चाहिए हो तो उसके लिए भी हम फॉर सेल भी हैं इनमें से परिंदे, जोड़ों वाले भी हैं लेकिन ये फड़त के नहीं हैं। जोड़ों वाले हमारे घर के बड़े अच्छे सलार हैं, परिंदे भी इसमें मजबूर हैं। कुछ परिंदे हमने पकड़े हुए हैं जिनको कलर लगा हुआ है, और पकड़े हुए परिंदे सारे इसमें मौजूद हैं। सलारे टैडी जोन से भी हैं, चपड़े चीने से गोल्डन भी हैं कुछ कबूतर, जैसे कि ये सामने गोल्डन कबूतर बैठा आ गया, अभी ये टैडी मादा आके बैठी है, ये गोल्डन कबूतर बैठा है। ये सब फोर सेल के लिए हैं, और पकड़े हुए कबूतर हम एक साइड पे रख देते हैं, अभी वो कबूतर अलग करने हैं जो आपको दोनों एक बच्चा दिखाया था, और एक दो परिंदे हैं जो इधर डालने हैं अभी। चलाएँ आपको नीचे खुडों का विजिट करवाता हूँ। लें जी इसमें मशहूर है ज़माना लाल परी कसूर के कबूतर, ये देखें सर ये कसूर के कबूतर हैं, और ये सेठ वाला टैडी कबूतर भी बीच में ही घूम रहा है जोड़ों वाला, और ये घर की ब्लू आइज की पट्टी है जी, शौक करें। और माशाल्लाह ये देखें ज़रा गौर करें, परिंदे हमारे पास बहुत बहुत बड़े ब्रांडेड कबूतर भी पड़े हुए हैं इनमें खाकी, और आपको अली वाले का शौक करवाता हूँ जी। ये जी सामने अली वाला कबूतर, ये जी सियालकोट के अली वाले कबूतर जो हैं माशाल्लाह से खूबसूरती के साथ, और ये कसूरी कमगर कबूतर जनाब, और पीछे ये फिरोजपुरी बड़ा कबूतर जनाब, और इससे भी बड़ा ब्रांडेड कबूतर आपको दिखाता हूँ अभी, फिरोजपुरी जो है। जो जी जानते हैं इन कबूतरों को अली वालों को, उनके लिए तो ये एक गिफ्ट होगा, अगर उन्हें चाहिए होगा तो ये भी मिल सकता है भाईजान। लें भाईजान ऐसे बांके और फिरोजपुरी कबूतर भी लोगों ने कम ही देखे होंगे, ये भाई की चेक करें ज़रा माशाल्लाह से कितनी प्यारी ब्लू आइज में है, ये फोकस नहीं कर पा रहा हूँ इस पर, और इसका माशाल्लाह से कलर देखिएगा, और ये देखें जी हर केज में दाना पानी भाईजान कर चुके हैं, पानी डालना बाकी है, और मेरे ख्याल से इन नीचे वाले खुडों में दाना डल गया, ये देखें जी तकरीबन दाना डल चुका है, और कईयों में पानी भी डाल दिया गया। ये देखें जी, और एक ये दोस्त की मादी है छतरी वाली, ये देखें कितने कैसे कबूतरों में ये कैसी कैसा पंछी पड़ा हुआ है जी, और माशाल्लाह वो लास्ट केज में भी दाना डाल चुका है जी। ये जी आज इनको तंग नहीं करते, ये जी हमारे डेरे वाली छत है, अगर किसी भाई को परिंदा वगैरह कोई चाहिए हो तो मिल जाएगा, जोड़ों वाला परिंदा चाहिए हो और उड़ाने के लिए चाहिए हो वो भी मिल जाएंगे। ये हमारा सेटअप है भाई जान। चलें वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।
क्योंकि अक्सर लोग विज़िट करते हैं चैनल को और उसको बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और बेल आइकन को दबाना भूल जाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।